अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं चिकन फ्राई और मच्छी का खट्टा पकाती हूँ। मेरे हस्बैंड मच्छी का खट्टा नहीं खाते, तो उनके लिए ख़ास चिकन फ्राई पकाया जा रहा है। मच्छी का खट्टा तो मानो फरहान को बहुत अच्छा पसंद आया। वो बहुत बार बोलने लगा कि मम्मी बहुत अच्छा है, सुपर टेस्ट है। और चिकन फ्राई भी मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। तो बाद में फैज़ान ऐसे कहने लगा कि मम्मी मेरे साथ खेलना, तो मैं फैज़ान के साथ खेलने लगी थी। वो काफ़ी हंसने लगा था, हम एक दूसरे को बैलून से मार रहे थे। इवनिंग हो चुका था और फैज़ान के अबू ने तो हमारे लिए स्नैक्स लेकर आ गए, और फैज़ान के लिए केक, हमारे लिए तो चिकन पफ लेकर आए थे। फैज़ान को ना कुछ स्पाइसी फूड नहीं पसंद आता है, उसको पफ या समोसा इस तरह के नहीं पसंद आते। उसको मीठा दो और दूध दो। मीठा और दूध उसका फेवरेट फूड है। आप कितना भी कलाकानी या फिर कुछ तरह के स्वीट्स को जो भी हो, मीठा होना चाहिए उसको और दूध होना चाहिए, तो वो काफ़ी एंजॉय करता है। तो मैं अपना चिकन पफ खा रही थी, सोचती हूँ कि मोटी हो जा रही हूँ और पफ ना खाऊँ, लेकिन पफ इतना टेमिट कर रहा था कि खाओ खाओ खाओ, तो मैंने खा लिया। बच्चे ना अपने अब्बू के सामने बिलिया बन जाते हैं, अम्मी के सामने शेर बन जाते हैं। फरहान फैज़ान मानो तो उनके अब्बू के सामने गुड बॉयज़ बनकर बैठे थे। और शाम के 7:30 बज गए हैं, हम बाहर जा रहे थे। मैं फरहान के अब्बू दोनों मिलकर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारे सास के लिए पायल ख़रीदने। हम जा रहे हैं गोल्ड शॉप को। फरहान फैज़ान को घर में छोड़कर जा रहे हैं हम। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों को अपने साथ लेकर जाने से कुछ काम होने से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो शॉपिंग के लिए बहुत बार हम बच्चों को घर में ही छोड़ के जाते हैं, क्योंकि हमारे बाइक पर 4 मेंबर्स कैरी करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम बच्चों को घर में छोड़कर जाते हैं।
बहुत पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना, बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए। मैं कभी भी बच्चों को घर में छोड़कर जाती हूँ ना, तो अपना गैस सिलेंडर को ऑफ कर देती हूँ, बर्नल ही नहीं नीचे के सिलेंडर का जो लिड होता है उसको ऑफ कर देती हूँ, और उनको घर में एक फ़ोन प्रोवाइड करते हैं। हम पड़ोस के आंटी से भी कुछ बोल कर जाते हैं कि आंटी हम बाहर जा रहे हैं, आप कुछ ध्यान रख देना। तो इस तरह मैं सारे प्रिकॉशंस लेकर उन्हें घर में छोड़ती हूँ। और फरहान फैजान को भी बोल कर रखा है कि कोई भी आकर दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना, क्योंकि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम जाते हैं ऐसे माहौल पर, बच्चों को लेकर जाना कुछ ठीक नहीं होता है, तो हम इस कोविड के सिचुएशन में तो बहुत बार बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते, तो इसलिए उनको घर में रहने की आदत डालनी पड़ी। तो मेरे बच्चे अच्छे और ठीक ठाक रह जाते हैं, कोई भी आते हैं ना तो बाद में आना कहते हैं, कोई भी दरवाज़ा मारेगा तो नहीं खोलते हैं, विंडो में से पहले देखते हैं। लो आ गया हमारा ज्वेलरी शॉप, हमारा ज्वेलरी शॉप आ गया है। हम इसी ज्वेलरी शॉप में मेरे सास के लिए पायल खरीदने जा रहे हैं। हम शॉप के अंदर आ गए, मैंने बहुत सारी पायल देखी थी। मेरे सास को ना सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए था, तो हम सिंपल सा डिज़ाइन में ही पायल लिए थे। उनको नहीं पता था मेरे हस्बैंड का सरप्राइज़ गिफ्ट था उनके लिए, मेरे हस्बैंड बहुत सारा खुश हुए। वो मैं शॉप में पिक लेना भूल गई थी तो घर पे गई, घर में ये पिक लिया है। मेरे हस्बैंड तो बहुत बहुत खुशी है कि उनके मम्मी को पायल गिफ्ट किया है उन्होंने। तो हम हमारे सास को पायल देकर हम घर वापस लौट रहे थे। हमारे सास का पिक ले नहीं पाई, वहाँ पे करंट नहीं था, तो कुछ करंट इशू के वजह से मैं पिक नहीं ले पाई। इस तरह मेरे हस्बैंड ने उनके अम्मी के लिए पायल गिफ्ट किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई, हमें बहुत पसंद आए पायल। आपको भी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हमारा वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। हमेशा दुए में याद रखना दोस्तों, कभी अलविदा मत कहना हमारे साथ, हर दिन मिलकर इस वीडियो को देखना। तो दोस्तों अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।